प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ लेसन में हमने हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी में तीन विशिष्ट प्रकार के कार्य प्रमुखता से हम संपादित करते हैं। पादप का डिस्क्रिप्शन, पादप वर्णन, पादप का क्लासिफिकेशन, पादप का वर्गीकरण और पादप की पहचान, प्लांट आइडेंटिफिकेशन। पादप की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सर्वप्रथम हम उपयुक्त शब्दावली के सहायता से पादप का वर्णन करते हैं और प्रत्येक अंग के लक्षण को समेकित करते हुए एक सारणीबद्ध कार्य करते हैं, जिससे कि हमें उनके लक्षण आगे उनकी पहचान और वर्गीकरण करने में सहायता करते हैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जो पादप की पहचान में हमें सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है। टैक्सोनॉमिक कीज या आर्टिफिशियल कीज, वर्गीय कुंजियाँ, पादप पहचान के लिए कृत्रिम कुंजियाँ। पादप का आइडेंटिफिकेशन वास्तविक रूप से ये किसी अननोन स्पेसिमेन का पूर्व में ज्ञात स्पेसिमेन के साथ तुलनात्मक अध्ययन है, कंपेरेटिव स्टडी है। पूर्व में जो ज्ञात स्पेसिमेन है, जिसका हमने नामकरण कर रखा है, उसको हमने क्लासिफाइड कर रखा है, उसके साथ इनके लक्षणों का मिलान करते हैं। इस कार्य के लिए हम कई प्रकार के कुंजियाँ निर्मित करते हैं। वर्तमान में हम कंप्यूटर बेस्ड मेथड भी यूज कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलीक्लेव टाइप डिवाइसेस भी हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं। पादप के आइडेंटिफिकेशन में सर्वप्रथम हम उस स्पेसिमेन में ज्ञात स्पेसिमेन के साथ पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं पर विवेचन करते हैं। अमुक लक्षण में ये समान है या असमान है, तथा उस स्पेसिमेन में जो प्रत्यक्ष लक्षण हैं उसका कंपैरिजन भी हम यहाँ पर करते हैं। उसके पश्चात उस अनआइडेंटिफाइड टैक्सोन का करेक्ट क्लास प्रदत्त करना तथा उसका नामकरण करना भी पहचान के साथ ही जुड़ा हुआ है। पादप पहचान करने से पूर्व हमें उस पादप की संपूर्ण जानकारी अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस पादप को किस प्रकार से पहचान से पूर्व अध्ययन करें, कि हमें पादप की सभी प्रकार की जानकारियाँ एक जगह सटीक और विश्वसनीय जानकारियाँ एकत्रित हों। इसके लिए हम संपूर्ण पादप का अध्ययन निम्न बिंदुओं की सहायता से करते हैं। उसकी हैबिट का अध्ययन करें, ये पता लगाएं कि ये हर्बेसियस है या वुडी है, ये वार्षिक एनुअल है या पेरिनियल प्लांट है। इस पादप में पर्ण की टाइप क्या है, फिलोटेक्सी कैसी है, वेनेशन कैसा है, इसमें स्टिप्यूल उपस्थित है अनुपस्थित है, इसमें किसी प्रकार का यदि मिल्की या कलर्ड शेप उपस्थित है,
या नहीं है, है तो पादप के किस पार्ट में है। यहाँ पर यह भी नोट करें कि किस प्रकार की सरफेस कवरिंग्स यहाँ पर पादप में है, उदाहरणतः हेयर्स, ट्राइकोम्स, स्पाइंस आदि। हम पादप के पुष्प एवं पुष्पीय संपूर्ण भाग को ऑब्जर्व करें। यहाँ पर हम सेपल्स और पेटल्स की संख्या नोट करें, उसका अरेंजमेंट एस्टिवेशन नोट करें। हम पेरियंथ यदि उपस्थित है तो वह कितने चक्रों में है ये ज्ञात करें या अनुपस्थित है। विशेष प्रकार की संरचनाएं पादप में यदि पाई गई है, जैसे पेपस, एपिकेलिक्स आदि, ये या इससे समान संरचनाएं ये उपस्थित हैं तो किस प्रकार की हैं। हम सेपल्स और पेटल्स की स्थिति का निर्धारण करें, ये सेपरेट हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है या गेमोपेटलस कंडीशन है। हम यहाँ पर ये नोट करें कि किसी प्रकार की नेक्टर ग्लैंड या सिग्रेटिंग डिस्क प्रेजेंट है पुष्प में या नहीं है। हम पुष्प की जो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है उसका अभी निर्धारण करें। हम यहाँ पर स्टेमन की संख्या और उसका अटैचमेंट पहले देखें, और यदि कहीं पर फ्यूज़न है एंथर्स या फिलामेंट्स में तो उसका अध्ययन करें। स्टेमन की पोजीशन एंटीपेटलस है, अल्टरनीपेटलस है या ऑफ डिप्लो स्टेमिनस है, ये भी हम पता लगाएं। हम पिस्टल्स की संख्या काउंट करें, स्टाइल और स्टिग्मा का अध्ययन करें, ओवरी का टीएस काट करके हम प्लेसेंटेशन का अध्ययन करें तथा नंबर ऑफ लोक्यूल्स काउंट करें, नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर लोक्यूल्स का अभी निर्धारण करें। हम पादप का एलएस काट करके और इसकी पोजीशन सेंटर से इसकी पोजीशन का अभी निर्धारण करें। हम नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं ये तय करें, अभी निर्धारित करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पादप पहचान से पूर्व की जो स्थिति है उसमें ये निश्चित रूप से अध्ययन पूर्व, पहचान पूर्व यह अध्ययन अति आवश्यक है। हम यहाँ पर कयास नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर ओजपोज अध्ययन को काम में नहीं ले सकते। हमें यहाँ पर सटीक जानकारियाँ उपलब्ध करानी होंगी जिससे कि हम आगे इसकी पहचान के लिए प्रयुक्त जो कुंजिया निर्माण का कार्य है वह सही तरीके से और विश्वसनीय तरीके से कर सकें। पादप की पहचान के लिए पूर्व में जो विवेचना की गई है उसके अनुसार बहुत सारी युक्तियां काम मिली जाती है, लेकिन हम यहाँ पर देखें कि पादप का जो आइडेंटिफिकेशन कीज के साथ है, कुंजियों के सहायता से जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं वह एक्चुअली किस प्रकार करते हैं, कुंजी है उसकी विशेषता क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो यहाँ पर कुंजी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ए की इज एन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट और एनालिटिकल डिवाइस वेयर बाई ए चॉइस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग इन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कुंजी इस प्रकार से निर्मित की गई है कि पादप का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है वह इसमें किया जाता है। दो विप्रयासी वक्ता हुए, टू कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के साथ इसको हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं, जिसमें से एक को एक्सेप्ट करने का और दूसरे को रिजेक्ट करने का हमें ऑप्शन मिलता है। या यूं कह सकते हैं कि जैसे हम पादप की पहचान के लिए एक लक्षण का भी निर्धारण करते हैं, लीफ सिंपल, लीफ कंपाउंड। तो यहाँ पर लीफ को लेकर के दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, लीफ सिंपल है या लीफ कंपाउंड है। अब हमें जिस पादप का आइडेंटिफिकेशन करना है उसमें उसकी स्थिति क्या
क्या है, इस आधार पर हमें एक वक्तव्य को रिजेक्ट करने का और दूसरे वक्तव्य को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए कपलेट। यहाँ पर जो एक लक्षणों का कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का जो युग्म होता है, पेयर होता है, उसको हम यहाँ पर कपलेट या द्विपदी छंद कहते हैं। अर्थात ये दो वक्तव्यों से बना हुआ एक पेयर होता है जिसमें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, अर्थात विपरीत लक्षणों से युक्त पहचान के लिए, चूंकि एक दूसरे से विपरीत जो स्थितियां हैं उसको यहाँ पर हम इंगित करते हैं। ईच स्टेटमेंट ऑफ ए कपलेट इज टर्म्ड एज लीड। लीड का तात्पर्य अग्रता है, अर्थात इस कपलेट का एक सिंगल स्टेटमेंट लीड या अग्रता कहलाता है। ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को अच्छे से शुद्ध तरीके से समझाता है। यहाँ पर हम कई प्रकार की जो है वो कीज देखते हैं। विशेष युक्तियों में ये पंच्ड कार्ड कीज, पॉलीकोटोमस कीज, डाइकोटोमस कीज आदि आदि। आपने देखा कि यहाँ पर हम परंपरागत और अपरंपरागत तरीके से पादप के आइडेंटिफिकेशन के लिए कृत्रिम कुंजियाँ या कृत्रिम डिवाइसेस प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांशतः पादप आइडेंटिफिकेशन में जो डाइकोटोमस कीज हैं, द्विभाजी छंदी जो कृत्रिम कुंजी है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अधिकांशतः सहायक हुई हैं पादप की पहचान सुनिश्चित करने के लिए। और यहाँ पर अपरंपरागत जो कुंजियाँ हैं वह या डिवाइसेज हैं वो कई प्रकार के हैं। इसका आगे अपन इसी चैप्टर में संक्षिप्त डिस्कस करेंगे। डाइकोटोमस कीज दो प्रकार की होती है, इंटेंडेड और यॉर्क की और ब्रैकेटेड या पैरेलल की। यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन कीज बनती हैं उसका विस्तार हम किस प्रकार से लेते हैं, ये क्या संपूर्ण पादप किंगडम के लिए है, पादप जगत के लिए है। अधिकांश हम कुछ टुकड़ों में, कुछ भागों में इसको बनाते हैं। ज़्यादा सुविधाजनक होती है जैसे फैमिली लेवल की कीज, जीनस लेवल की कीज, स्पीसीज लेवल की कीज आदि। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल कीज का हम अध्ययन कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर बिना किसी विवाद के कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लक्षणों की गहन अध्ययन के पश्चात जो कपलेट्स के रूप में लक्षणों का समावेश किया जाता है वह एक साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आर्टिफिशियल की को एक बॉटनिकल लिटरेचर या वनस्पतिक साहित्य के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दो प्रकार की पहचान विधियाँ हम काम में लेते हैं, परंपरागत पहचान विधि कन्वेंशनल आइडेंटिफिकेशन मेथड और अनकन्वेंशनल आइडेंटिफिकेशन मेथड अपरंपरागत पहचान विधि, जैसे पॉलीकोटोमस कीज, बहुभाजी विधि, पंच कार्ड विधि, कंप्यूटर डिवाइसेस, पॉलीक्लेव्स मेथड आदि आदि। डाइकोटोमस कीज या द्विभाजी जो कुंजी है वह जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये मुख्यतः ऐसे वक्तव्य को प्रस्तुत करती है जिसमें हमें ये स्वीकारोक्ति या अस्वीकार करने की आज़ादी देता है कि आप किस जो है वो वक्तव्य को रिजेक्ट कर रहे हो और किस को सेलेक्ट कर रहे हो। तो दो भागों में डाइकोटोमस कीज का
निर्माण होता है। पहला भाग जिसे हम कपलेट्स या द्विपदी छंद कहते हैं, द्विपदी छंद का तात्पर्य अभी अपन ने डिस्कस किया कि कंट्राडिक्टरी लक्षणों को निर्मित लेकर के जो स्टेटमेंट्स एक पेयर के रूप में, एक युग्म के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कपलेट्स कहते हैं। और प्रत्येक कपलेट्स का प्रत्येक सेंटेंस जो कि लक्षणों को आगे लीड करता है उसे अग्रता या लीड कहते हैं। जैसा कि पूर्व में अपन ने देखा है, ये दो प्रकार की होती है, इंटेंडेड या यॉर्कीज, जिसे कि हम कटावदार प्रकार कहते हैं। दूसरी ब्रैकेटेड या पैरेलल की, यानी कोष्ठ की प्रकार कहते हैं। इंटेंडेड या यॉर्क की में ईच ऑफ द कपलेट्स इज इंटेंडेड ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। यानी हम एक सेंटेंस जो पहले लक्षण के लिए कपलेट्स है, आगे का कपलेट्स एक निश्चित दूरी के साथ लिखा जाता है, जिससे हमें इस बात का जो है वो अंदाज़ा लगता है कि ये कपलेट्स या इसका लीड जो है वो आगे से आगे हमें किसी की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए हम उसको आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पर जो है वो प्रत्येक लीड्स में हमें यहाँ पर इंगित हम करते हैं। दूसरा जो है वो है कोष्ट की या ब्रैकेटेड या पैरेलल कीज। इस प्रकार में टू कपलेट्स ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पर पेयर में हम पहले कपलेट्स को लिखते हैं, यानी एक लक्षण और उसके पश्चात उसका दूसरा लक्षण। तो परंपरागत जो कपलेट के लीड्स हैं वो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे वुडी प्लांट्स, प्लांट्स वुडी, प्लांट्स अर्बेसियस। यहाँ पर लिखने के बाद में हम आगे इसको डायरेक्शन देते हैं कि ये एक नंबर और ये दो नंबर। इसका मतलब ये है कि अब ये नीचे एक नंबर कपलेट्स को निरूपित करेगा, उसके आगे का जो है वो ये कुंजी का मार्गदर्शन बनेगा और ये दो नंबर का। इस प्रकार से एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन अ की देयर इज आइदर ए नंबर और ए नेम रेफरिंग टू ए कपलेट। कपलेट का अंतिम जो सिरा है उस पर या तो नंबर लिखे हुए मिलेंगे या नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यदि उस कपलेट्स की लीड किसी प्लांट्स को सार्वभौमिक रूप से निश्चितता प्रदान करती है तब हम उसका नाम लिख देते हैं। जैसे इस लक्षण के साथ ये यहाँ पर एंड होता है और हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे रेनेनकुलस। इसका तात्पर्य है कि रेनेनकुलस इस लीड के साथ अपनी पहचान सुनिश्चित कर रहा है। अब रेनेनकुलस के अलावा जो हैं वह दूसरे कपलेट, जैसे हमने लिख दिया दो नंबर, फिर वो दो नंबर में आगे कपलेट्स में जाएगा और वहाँ उसकी पहचान सुनिश्चित होगी। डाइकोटोमस कीज, जैसा कि अभी अपन ने देखा, दीज कीज कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स और कपलेट्स ऑफ विच इज अ लीड। बोथ द लीड्स आर नंबर्ड एंड बिगिन विद द सेम वर्ड एज फार एज पॉसिबल। जो प्रत्येक लीड है वह उसका प्रधान शब्द जो है वो समान प्रकार से, समान लक्षण से आरंभ होना चाहिए, प्रमुख शब्द से आरंभ होना चाहिए। जैसे पादप प्लांट्स वुडी, प्लांट्स हर्बेसियस। तो ये कपलेट्स जो है ये हम इस सेंटेंस में देखते हैं, इसके पश्चात डाइकोटोमस कीज आर ऑफ टू जनरल टाइप्स। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, डाइकोटोमस कीज जो है वो दो मुख्य प्रकार की होती हैं, इंटेंडेड कीज एंड ब्रैकेटेड कीज। इंटेंडेड कीज या यॉर्क कीज, जिसमें कि कपलेट्स यॉर्क के साथ संयोजित होता है और आगे उसके
जो है वो नंबर लिखे जाते हैं। ईच ऑफ कपलेट इज इंटेंडेड ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन टू द पेज। अभी जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक निश्चित दूरी के साथ कपलेट जो है वो आगे बढ़ता है। यहां पर एक उदाहरण हम लेंगे जिसमें कि ये इंटेंडेड कीज किस प्रकार से पादप के आइडेंटिफिकेशन में हमें सहायता करती है। यहां पर हम रेनेनकुलेसी फैमिली के, बटरकप फैमिली के 5 वंश उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। वह इस प्रकार हैं: रेनेनकुलस, क्लीमेटिस, एनिमोन, एक्विलेजिया एंड डेल्फिनिया। अब इनके लक्षण हमने पूर्व में बहुत सघनता से, बहुत सत्यता से हमने काउंट कर रखे हैं, अध्ययन कर रखे हैं। अब हम इसको ये देखते हैं कि इंटेंडेड कीज में इनको किस प्रकार से हम पहचान इनकी सुनिश्चित करते हैं। यहाँ देखिए आप, दिस इज द कपलेट्स फ्रूट्स ए ग्रुप ऑफ एकीन्स अनस्पर्ड फ्लावर्स। ये कपलेट्स का पहला लीड है। कपलेट्स का दूसरा लीड क्या है? फ्रूट्स ए ग्रुप ऑफ फॉलिकल और स्पर्ड फ्लावर्स। दलपटीय पुष्प हैं और फॉलिकल समूह में फ्रूट पाए जाते हैं। ये एक लीड है। दलपटीय पुष्प नहीं है और एकीन जो है वो फ्रूट है, ये इसका पहला लीड है। तो यहाँ पर देखिए आप, उसके पश्चात आगे का लीड लेफ्ट पेज से एक निश्चित दूरी पर लिखा गया है। और सेकंड जो कपलेट्स चल रहा है वो है पेटल्स अब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रत्येक जो कपलेट्स का प्रधान शब्द है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर पेटल्स अब्सेंट, यहाँ पेटल्स प्रजेंट, तो दोनों में विपर्यासिता है, एक दूसरे के कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। ऊपर देखिए आप, पहला कपलेट्स वन वन फ्रूट्स इन ए ग्रुप ऑफ एकीन और अन एंड अनस्पर्ड फ्लावर और वन डेस फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकल एंड स्पर्ड फ्लावर्स। सेकंड कपलेट्स पेटल्स अब्सेंट, पेटल्स प्रजेंट। अब पेटल्स अब्सेंट है, उसके बाद के आगे का कपलेट जो है वो समान दूरी के साथ लिखा गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि आप नीचे से नीचे अग्रता को देखते जाएंगे तो प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन निश्चित होता जाएगा। अब यहाँ पर जिस ग्रुप में फ्रूट एकीन है, अनस्पर्ड फ्लावर हैं, पेटल अब्सेंट है, चौथा लक्षण इसमें सेपल्स यूजली फोर, बाह्य दल 4 संख्या में है और इन्वोल्यूकर अब्सेंट है, नीच चक्र जो है वो अनुपस्थित है, ऐसा जो है वो क्लीमेटिस को सुनिश्चित करता है। ये जो स्पेसिमेन है क्लीमेटिस, वो इन लक्षणों से युक्त है। लेकिन इसकी विप्रियासिता में, इसके कंट्रास्टिंग करेक्टर में, इफ सेपल इज 5, ऐसे स्पेसिमेन जिसमें फ्रूट एकीन, अनस्पर्ड फ्लावर, पेटल अब्सेंट लेकिन सेपल की संख्या 5 और इन्वोल्यूकर प्रजेंट, नीचक्र जो है वो उपस्थित हो, ऐसी स्थिति एनीमोन में पाई जाती है। तो क्लीमेटिस और एनीमोन, इन दो लीड की सहायता से हम डिफरेंट कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड कपलेट का दूसरा लीड है पेटल्स इज प्रजेंट, तो ऐसे प्लांट रेनेनकुलस के जिसमें एकीन्स फ्रूट हो, अनस्पर्ड फ्लावर हो, पेटल्स प्रजेंट हो, ये रेनेनकुलस में पाया जाता है। ये एक कंडीशन रेनेनकुलस की है। तो यहाँ पर हम सुनिश्चित करते जाते हैं अंत में पादप की पहचान। दूसरा कपलेट्स जिसमें कि फ्रूट फॉलिकल हो और स्पर्ड फ्लावर हो, ये इसका जो कपलेट है वो स्पर्स 5, दलपुट 5 हो, फ्लावर रेगुलर हो, नियमित हो, ऐसी स्थिति एक्विलेजिया में पाई जाती है।
तो यहाँ पर यह भी निश्चित हो गया चौथा स्पेसिमेन या स्पीसीज भी। पांचवा इसका लीड है स्पर्स ओनली वन, जो दलपुट है वो पश्च भाग में अकेला पाया जाता है और जो फ्लावर है वो अनियमित हो जाता है और ऐसी स्थिति डेल्फिनियम की है। तो पांचों जो प्लांट हैं उसको हम इंटेंडेड कीज की सहायता से इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि हमें आगे से आगे उस प्लांट की पहचान सुनिश्चित होती जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा ब्रैकेट और पैरेलल कीज में, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक कपलेट जो है वह समानांतर लिखा जाता है और उसके आगे आगे के कपलेट्स के लिए संख्या, या अगर वो वहीं पर ही अपनी सुनिश्चितता करता है तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक वही प्लांट्स रेनेनकुलेसी के पांचों जो स्पीसीज हैं उनको हम यहाँ पर ब्रैकेटेड या पैरेलल कीज में किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं ये देखते हैं। पहला कपलेट है फ्रूट्स ए ग्रुप ऑफ एकिन और अनस्पर्ड फ्लावर, पहला लीड है। दूसरा लीड इसका विप्रियासी है फ्रूट्स फोलिकल और स्पर्ड फ्लावर्स, यहाँ हम इसको एक जगह लिखते हैं जिससे कि हमें उन लक्षणों का सही सटीक सटीक ज्ञान हो कि हम अभी किस प्रकार का विभाजन कर रहे हैं, किन लक्षणों को हम कपलेट्स में यूज कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि जिन फ्लावर में फोलिकल है और स्पर्ड फ्लावर है उसमें पेटल्स के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है, पेटल्स अब्सेंट पेटल प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए फ्रूट ए ग्रुप ऑफ एकिन अनस्पर्ड फ्लावर्स, हम दो नंबर इस पर जाएंगे कपलेट्स पर। फ्रूट्स ए ग्रुप ऑफ फोलिकल्स स्पर्ड फ्लावर, हम चार नंबर कपलेट्स पर जाएंगे। अब दो नंबर पर जाते हैं फ्रूट्स जो एकिन में था, अब यहाँ पर इसको हमने फिर पैरेलल में लिख दिया है, वहाँ हम टूट टूट कर लिख रहे थे अलग अलग स्थान देख करके, यहाँ हम एक जगह लिखते हैं। पेटल अब्सेंट है, हम तीन नंबर पर कपलेट्स पर जाएंगे। पेटल प्रेजेंट है तो सेम लक्षण उसमें भी यही था, रेनेनकुलस को हमने सुनिश्चित कर लिया क्योंकि रेनेनकुलस की स्थिति क्या थी, फ्रूट्स एकिन थे अनस्पर्ड फ्लावर थे पेटल्स प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर पेटल अब्सेंट है पहले हम उसको लेंगे, पेटल अब्सेंट में फिर वही सेपल्स चार इनवोलुकल अब्सेंट क्लीमेटिस, सेपल्स पांच इनवोलुकल प्रेजेंट एनिमोन। अब हम जो चार नंबर था जिसमें कि ग्रुप ऑफ फोलिकल फ्रूट था और स्पर्ड फ्लावर थे इसको हम कपलेट चार में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अब यहाँ आ जाते हैं हम सीधा। स्पर्स पांच फ्लावर रेगुलर एक्यूलेजिया, स्पर्स वन फ्लावर इरेगुलर डेल्फिनिया। तो इस प्रकार से हम दो अलग अलग प्रकार से, एक को हम इंटेंडेड करते हुए कटावदार तोड़ते हुए, एक को हम पैरेलल रख करके और आइडेंटिफाई कीज का निर्माण करते हैं। द्विभाजी पहचान कुंजी बनाने में हमें बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, हम एक एक करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमें इनके लिए किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, द्विभाजी कुंजी निर्माण के प्रचलित नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, हम हौसपोच स्थिति में काम नहीं कर सकते, हमें एक निश्चित नियम के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। वक्तव्य सदैव दो विप्रियासी लक्षणों से संबंधित होने चाहिए, हम एक तरफ हमने ये लिख दिया कपलेट बनाते वक्त पादप वृक्ष और दूसरी तरफ हमने लिख दिया पादप पर्णयुक्त, ये गलत हो जाएगा। इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो कि हमें सिलेक्टेड या रिजेक्टेड करने की स्वतंत्रता देता है, ये विप्रियासी लक्षण इसमें प्रयुक्त किए जाने चाहिए। विप्रियासी का एक द्विपदी छंद की दो अग्रताओं का विवरण सदैव परस्पर विरोधी होने पर उपयुक्त अग्रता का चयन आसान होता है। यहाँ पर क्यों ऐसा करना चाहिए ये हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि विप्रियासी का एक द्विपदी छंद की दो अग्रताओं का विवरण सदैव परस्पर विरोधी होने पर ही हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कि
पेटल्स प्रेजेंट, पेटल्स अब्सेंट। अब यहाँ पर हम ये कहें दोनों में पेटल प्रेजेंट, तब फिर हम उसको कपलेट्स और लीड नहीं बना सकते, वो एक के लिए लीड बन सकता, फिर दूसरे लक्षण को हम उसके लीड्स बनाएंगे। नंबर तीन, ऐसे लक्षणों का कुंजी में उपयोग नहीं करना चाहिए जो भौगोलिक पारिस्थितिकी या मौसम विभाग, मौसम परिवर्तन अथवा किसी अन्य तात्कालिक कारणों से प्रभावित हो, जैसे धूप में उगते हैं, छांव में उगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अजमेर में पाया जाता है, ये डीडवाना में पाया जाता है, इस प्रकार के हम लक्षणों को यहाँ पर इस कुंजी के निर्माण में प्रयुक्त नहीं करते हैं। नंबर चार, द्वीप प्रत्येक द्विपदी की दोनों अग्रताओं का प्रथम शब्द समान होना चाहिए, ये प्रधान शब्द कैपिटल अक्षर में लिखा जाना चाहिए। यदि हम आइडेंटिफाई जो कुंजी है वह अंग्रेजी में बना रहे हों, हिंदी में चूंकि एक समान ही लिखा जाता है। नंबर पाँच, वैकल्पिक वक्तव्य पादप के किसी अंग से संबंधित लक्षणों के होने चाहिए, ऐसा नहीं इसको ABC ने खोजा था, इसको CDB ने खोजा था। लक्षण से संबंधित जो उसके अंग से संबंधित जो लक्षण है, जैसे पर्ण का लक्षण लिया है तो पर्ण में हमने देखा है अनुपर्ण उपस्थित है या अनुपस्थित है। हम कहें कि इसमें जो पत्तियां हैं वो चौड़ी हैं और इसमें जो पत्तियां हैं वह ज़्यादा चौड़ी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जाति स्तर पर कुंजी बनाते समय पादप अंगों के मापन में सत्यता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर ना मिलाएं कि ऐसा होता होगा या इसको ऐसा मान लेते हैं, ये सब चीज़ें कुंजी निर्माण में प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट, एक अग्रता के वक्तव्य की दूसरी अग्रता के वक्तव्य से सावधानीपूर्ण तुलना करनी चाहिए, देखना चाहिए कि दोनों अग्रताएं अपने आप में विरोधी लक्षणों से युक्त है या नहीं है। नेक्स्ट, पादप के सूक्ष्म लक्षणों का विवरण तैयार करते समय अभिवर्धक ताल या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, पादपों के वर्गीकरण विज्ञान की विस्तृत जानकारी हमें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको जो है वो देख लेंगे बाद में इसको कंफर्म कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लास्ट, तकनीकी शब्दों का उपयुक्त उपयोग करना चाहिए। हम लंबे लंबे सेंटेंस या अग्रता नहीं बनाएं, जैसे कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें पर्ण अनुपर्ण युक्त होती है, ऐसा नहीं। अर्ध तकनीक भाषा जो है, जो पादप के वर्णन में हम प्रयुक्त करते हैं, उसका सटीक रूप से उपयोग होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अनकन्वेंशनल आइडेंटिफिकेशन मेथड भी वर्तमान समय में, चूंकि डिजिटल युग है, बहुत नई नई प्रकार की जो है वो योजनाएं और तकनीकें जो है वो विकसित हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो विशिष्ट प्रकार की जो युक्तियाँ हैं वो यहाँ पर प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त की जा रही है। नंबर एक, पॉलीक्लेव आइडेंटिफिकेशन, इसमें करेक्टर्स की चॉइस जो है वो बहुत सारे लक्षणों से युक्त होती है। चॉइस ऑफ सेवरल करेक्टर्स कैन बी यूज, बहुत सारे लक्षणों को एक साथ लेकर के ये कार्य करने की स्वतंत्रता में प्रदान करता है। ये मल्टी एंट्री ऑर्डर फ्री है, हम किसी फॉर्मेट में, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं उसमें इनको हम आइडेंटिफाई की बनाने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। यूजर ऑफ सिस्टम इज फ्री टू चूज एनी करेक्टर्स, जो सिस्टम को निर्मित कर रहा है वो अपने आप में स्वतंत्र है कि वो किसी भी लक्षण को लेकर के और अपनी जो है वो इस कुंजी का निर्माण कर सकता है, इन एनी ऑर्डर और इन एनी सीक्वेंस, किसी भी क्रम में, किसी भी जो है वो उपक्रम में ये अपने आप को ले सकता है। और ये रिजिड फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिशनल डाइकोटोमस कीज है उसको अवॉइड करता है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं जो अभी मेरे हिसाब से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उपयुक्त नहीं है, बहुत उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए हम इसका जो है वो विश्लेषण करें तो ज़्यादा उपयुक्त है। आपके लिए डाइकोटोमस कीज
क्या है, किस प्रकार बनती हैं और किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, आइडेंटिफिकेशन करने में क्या किस प्रकार सहायता करती, यही हमें यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन चूंकि वर्तमान में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल के अलावा अनकन्वेंशनल जो मेथड है उसमें जो पॉलीक्लेव आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें कि करेक्टर्स को चूज करने की अधिकाधिक स्वतंत्रता है, और ट्रेडिशनल जो डाइकोटोमस कीज है उसको अवॉइड करने की ये आज़ादी देता है, उसमें कई प्रकार के लक्षण जैसे कार्ड्स मेथड, कुछ कार्ड्स पर छेदक करते हैं और जो जो लक्षण मिलते हैं उसी जो है वो कार्ड्स को निकाल करके हम एक अलग प्रकार के जो है वो अरेंजमेंट के आधार पर इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कंप्यूटर स्टोर्ड मल्टी एंट्री की, यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो संग्रहित मल्टी एंट्री की है उसका उपयोग होता है। प्रिंटेड टेबल होती है, उस टेबल पर लक्षणों का जो है वो प्रिंट फॉर्मेशन होता है, उसके आधार पर भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकंड जो अभी वर्तमान में आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त विधि है वो कंप्यूटराइज आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर अपने आप में एक विचित्र और विशिष्ट प्रकार की डिवाइस है जो हर प्रकार के कार्य को सरलता से संपन्न करने में हमें सहायता प्रदान करता है। ये एक्चुअली अंकों पर आधारित जो है वो ज्ञान को पढ़ता है, और यदि हम किसी भी लक्षण को अंकों के साथ संयोजित करके और कंप्यूटर को निर्देशित करें तो ये हमें पादप अभिनिर्धारण में पहचान करने में सहायता करता है। मुख्यतः चार प्रकार की जो है वो युक्तियाँ यहाँ पर प्रयुक्त होती हैं, हम सिर्फ यहाँ पर इन युक्तियों को देख करके आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड की, कंप्यूटर द्वारा निर्मित की, कंप्यूटर स्टोर्ड डाइकोटोमस की, ऑटोमेटेड पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम और साइमल्टेनियस करेक्टर सेट मेथड। हमने लक्षणों के सेट वहाँ पर स्टोर कर दिए, हमने रिकॉग्निशन पैटर्न सिस्टम हमने उसमें डाल दिया, हमने डाइकोटोमस कीज को पहले से ही उसमें स्टोर कर दिया, और हमने जो है वो एक संपूर्ण की बना करके अगर कंप्यूटर में डाल दिया तो वह जो कमांड हम देंगे, उपयुक्त कमांड, सटीक कमांड देंगे तो वह हमें एक निश्चित कंक्लूजन पर ले जाने के में सहायता करता है। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न पहले देखेंगे। नंबर एक, द्विभाजी कुंजी की विशेषता लिखिए। नंबर दो, द्विभाजी कुंजी में कपलेट या द्विपदी छंद क्या है परिभाषित कीजिए। नंबर तीन, द्विभाजी कुंजी में लीड क्या है, आग्रता क्या है परिभाषित कीजिए। टिप्पणी प्रकार के प्रश्न, पहला, पादप पहचान के लिए द्विभाजी कुंजी डाइकोटोमस कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इस पर 50 शब्दों में अपनी टिप्पणी लिखिए। नंबर नेक्स्ट, द्विभाजी पहचान कुंजी बनाने में विशेष सावधानियां, क्या सावधानियां हम बरतेंगे ये हमें यहाँ पर 50 शब्दों में इसको इंगित करना है। निबंधात्मक प्रश्न एक है, द्विभाजी कुंजी क्या है, पादप पहचान के लिए द्विभाजी कुंजी कैसे निर्मित की जाती है, इनके प्रकार को लिखिए, द्विभाजी पहचान कुंजी बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि पादप पहचान के लिए विशेष रूप से वर्णनात्मक जो हमारा अध्ययन है उसको यहाँ पर अंगों के लक्षणों को सही सही तरीके से व्यक्त करते हुए डाइकोटोमस कीज के रूप में पादप की पहचान सुनिश्चित कराने में जो सहायता मिलती है यह अपने आप में एक वर्गीय साहित्य के रूप में प्रयुक्त होता है। हम टैक्सोनॉमी में और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर यहाँ पर इसी माध्यम से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।